दर्शन। तेज रफ्तार और फुर्ती का दूसरा नाम चीता। जहां बिल्लियों की बहुत सारी प्रजातियां इस धरती पर मौजूद होने के बावजूद चीता जैसा कोई नहीं। चीता का एरोडायनामिक शरीर इसे दूसरों से बिल्कुल अलग बनाता है। वहीं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला ये जानवर अपने शिकार को गंध से नहीं उसकी छाया से उसका शिकार करता है। पर मजेदार बात ये है कि ये शेर और बाघ की तरह दहाड़ते नहीं बल्कि ये बिल्लियों की तरह गुर्राते और फुफकारते हैं। वहाँ चीता अपने शिकार को अकेला देख पहले चुपके चुपके उसका पीछा करता है और मौका देखते ही हमला बोल देता है। जहाँ इस पूरी प्रक्रिया के लिए चीते के पास सिर्फ 20 से 30 सेकंड का ही समय है। अगर ये अपने शिकार को पहले हमले में पकड़ नहीं पाया तो ये उसे छोड़ देगा, क्योंकि लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते वक्त इसका हार्ट एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। यहाँ तक कि जब ये अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है तो 7 मीटर तक की छलांग भी लगा लेता है। ऐसे में इस दौड़ के वक्त इसके शरीर और दिमाग का तापमान लगभग 105 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो इसके लिए घातक भी साबित हो सकता है। और अगर ये नहीं रुका तो इसका मरना तय है। इसलिए चीते की हर दौड़ उसके जीने और मरने का दाव होती है। यही कारण है कि हर शिकार के लिए किए दौड़ के बाद ये कम से कम 15 मिनट का आराम करता है। ऐसे में क्या आपको ये पता है कि बिल्लियों के परिवार में एक चीता ही है जिसके क्लॉज सेमी रिट्रैक्टेबल होते हैं, तो इसे जबरदस्त ग्रिप देते हैं। हाँ, ये अपने जबरदस्त ग्रिप और तीखे दांतों के साथ सीधा अपने शिकार की गर्दन पर टारगेट करता है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि ये बेहतरीन और लाजवाब शिकारी खुद शिकार बन गया है। जहाँ आज पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीका में ही गिने चुने चीते बच गए हैं और भारत समेत एशिया के कमोवेश हर देश से ये अद्भुत शिकारी विलुप्त हो चुका है। एकता झा की रिपोर्ट, सच दर्शन।